इसलिए यही आप लोगों से अनुरोध होगा कि बस इसको अपना ढंग से अपना समझ के काम करना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नरेंद्र बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद। जेना मोर के कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के बैनर तले एक चुनावी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ झारखंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे और इस चुनावी कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किए। बेरमो विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना है, इसी बात पर चर्चा हुई और सभी कार्यकर्ताओं को आम जनता से मिलने जुलने और बेरमो को विकास के राह पर ले जाने की बात जन जन तक पहुंचाने और इस महागठबंधन के साथ चलकर बेरमो प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को हाथ छाप कर अपना मत देके विजयी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। तो ये लोग कन्विंस्ड हैं किसको वोट देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है, गठबंधन के कैंडिडेट अनूप जी को जिताना है, लगातार सरकार के ऊपर तंज कर रहे हैं कि उन्होंने 10 महीने की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित किया है और दिग्भ्रमित करके वो गद्दी पे विराजमान हुए हैं और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक छोटा की सरकार तक बोल रहे हैं, छोटा की सरकार ऐसी टाइप का शब्द का यूज कर रहे हैं। जनता जनतंत्र में किसका राज है? जनता का नहीं होता है। जनता ने समझा कि 5 साल जो किए उसको जनता ने समझा और तब फैसला लिया इनको हटाने का। भला आज बोलने से क्या होगा? 5 साल के शासन ऐसे तो 16.5 साल रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जो सरकार रही उसके काम काज को लोगों ने देखा और तब फैसला लिया इलेक्शन के समय में इनको भगा। याद कीजिए आप, केवल बीजेपी सरकार गई, मतलब बीजेपी की जो मुख्यमंत्री थे उनको तो जनता ने इतना नकारा कि उनको विधायक बने बनने, सही है कि नहीं है? हाँ, ये उनको बोल दे दीजिए, हमने नकारा कर। ये बताइए, आजसू भी साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और काफ़ी उनके प्रचार में कैंपेन कर रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आजसू बहुत कमजोर, अब उसको महसूस हुआ जरूरत हुआ उसको सहारे, तो सहारा बीजेपी का ले रही है। बीजेपी अपने कमजोर है क्योंकि सहारा देगी कहाँ से? सहारा देगी इनका जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, व्यर्थ हो जाएगा। आज आज तो खत्म पा रही। ये बताइए, मूलवासी और मूल निवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात करके आप सत्ता में आए हैं और उन्होंने उनका कहना है साफ तौर पर कि आप मूलवासी और आदिवासियों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। जो आपने वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो किए थे, उसके अनुरूप आपने कोई काम नहीं किया है। अभी तो सरकार कोरोना का पीरियड लॉकडाउन किसने लगाया? झारखंड सरकार लगाया। अर्थव्यवस्था को, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो बर्बाद कर दिया, किसके किसका था ये निर्णय? केंद्र सरकार का। अब केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की। उसका निर्णय था, फैसला था और उस फैसले से देश को कितना नुकसान हुआ आप देख रहे हैं। बताने के लिए 75 लाख लोग अभी तक कोरोना से हो चुके, 1,14,15 हज़ार की मृत्यु हो चुकी। इन तो दिया है बीजेपी के सरकार, और इसके बाद भी दूसरे पर देख, दूसरे पर छीटा कैसे करते हैं? दूसरे पर छीटा कैसे करने का इनके औकात होती है? इनको देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि क्या क्या दिए इस राज्य, इस देश को और इस राज्य को 5 साल में क्या दिए? यही दिए कि जब जाने लगी सरकार, गई सरकार, कितनी सरकार, डीवीसी का 5,514 करोड़ बकाया छोड़ के गए। नतीजा क्या हुआ? आज हम लोग आए हैं 9 महीना से, हमको सजा को करना पड़ रहा है। 1,417 करोड़ रुपया भारत सरकार ने कर दिया। एक तो भारत सरकार हमको दे नहीं रही पैसा, हमारे GST का पैसा बाकी है 3,000 करोड़ के बराबर, नहीं दे रही है। मांगते मांगते थक गए हमको, नहीं दे रही है और उल्टा हमारा पैसा काट।
उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है कि सिर्फ DVDC का बाकी रह गया है, केवल DVC का पैसा बाकी है, बाकी प्राइवेट कंपनियों से जो बिजली ली जा रही है उसको पेमेंट किया जा रहा है। सवाल ये है कि प्राइवेट कंपनी होती है वो तुरंत अब आलू प्याज देते हैं तो भारत सहकार तुरंत देना पड़ता है तो तुरंत दे दिए, लेकिन जो DVC है मेजर है, ये सप्लायर मेजर सप्लायर है बिजली का झारखंड, आप उसको क्यों 5,514 करोड़ क्यों रख दिए कि आज ये राज्य को भुगतना पड़ रहा है, जब पैसा नहीं है तो उल्टा काटा जा रहा है। ये ना देखिए मंत्री जी, कहना ये भी है कि ये दुमका और बेर मौजूद झारखंड के दो चुनाव सीट हैं, ये झारखंड सरकार की दिशा और दशा तय करेगी, इस पर कितना सहमत है? हमारा दिशा और दशा दोनों तय है, पहले से जनता ने तय किया, ये क्या तय करेंगे, जनता ने तय किया है। किस दिन रिजल्ट निकला था? 23 दिसंबर को ना, 23 दिसंबर 2019 को जनता ने तय कर दिया कि गठबंधन की सरकार या 5 साल तक करेगी, क्या बताएं। मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये जो दोनों चुनाव सीट हैं ये आपके झोले में जाएंगे? पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता ने आश्वस्त किया, मतदाताओं ने आश्वस्त किया है कि आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ 5 साल के लिए आपको बोला, 5 साल बने रहेंगे सर। थैंक यू सर। मंत्री जी, आज पहुँचे आप देरमो चुनाव को लेके, आप प्रत्याशी के समर्थन में आपने लोगों से बात की और उनसे अपील की उनका समर्थन करने के लिए, और अभी जो परिपेक्ष है भाजपा के सारे बड़े नेता, केंद्रीय नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सारे लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल 100% तय है कि यहाँ दिवंगत नेता के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है, विश्वास है, उनके व्यक्तित्व से लोग कायल हैं और हम दोनों सीटों में बहुत मजबूती से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ेगी, लोग जो हैं और उनके भाषा की मर्यादा तो आप देख रहे हैं, भाषा की क्या मर्यादा है, किस भाषा में वो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार, गठबंधन की सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और जो COVID-19 आया है वो वैश्विक संकट से हमने इस राज्य को उभारा, एक भी RT-PCR मशीन नहीं थी, 7-7 जगह लैब स्थापित की है, 7-7 जगह लैब स्थापित होने के बाद TrueNet मशीन सैकड़ों की संख्या में डाला गया, आज राज्य का रिकवरी रेट जो है देश के रिकवरी रेट से कहीं ज़्यादा है, 92% से पार कर रहा है। तो हम लोगों को जो विपदा की घड़ी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया, खाली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केवल आते थे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, और खाली भाषण सुना के चले जाते थे, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए था, ये गरीब राज्य है, ट्राइबल राज्य है और पिछड़े कमजोर वर्ग का राज्य है, इसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, सहारा चाहते थे हम, उस समय तो इन्होंने सहारा नहीं दिया, ऊँट के मुंह में जीरा। तो हम पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं, झारखंड की जनता जानती है कि ये गठबंधन की सरकार जनहित के मुद्दे पर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। ये गठबंधन को लेके वो बराबर जो है सभी सभाएं में ठगबंधन का बात करें कि इन्होंने ठगने का काम किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाए, लुभाना वादे करके सत्ता में बैठे हैं, जो भी मैनिफेस्टो था उसको पूरा नहीं किया उन्होंने। आप देख लीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी ने मैनिफेस्टो पूरा कर दिया, 1,25,000 करोड़ दे दिया बिहार को विशेष पैकेज दे दिया, विशेष दर्जा दे दिया प्रधानमंत्री ने, 15 लाख रुपये दे दिया, हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी दे दिया, नारी पर बच्ची पर अत्याचार खत्म हो गए, महंगाई खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने नहीं दिया तो आप भी नहीं देंगे, ऐसा है क्यों? क्या नहीं, हम तो भाई हम बहुत बिल्कुल एकदम नेक नियति से बुलंद इरादों के साथ हम पूरे इत्मीनान के साथ बिल्कुल सही स्थान पर जा रहे हैं और हम धीरे धीरे इस राज्य को बिल्कुल सुदृढ़ करने पर काम कर रहे हैं, हम केवल जो है भाषण पर काम नहीं कर रहे हैं, खाली भाषण दे दे के हम काम नहीं करेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।